Hello, hi, my dear MedPreP student. So welcome back all the future doctors. So आज हम बात करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक नीट 2024 में हम कैसे 700 प्लस मार्क स्कोर कर पाए, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी, क्या टिप्स हैं, ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। वीडियो को लास्ट तक देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है नीट 2024 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्रेसिव गाइड अप टोटली इस वीडियो को देखने के बाद, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, जो भी है अपने अकॉर्डिंग फॉलो करना है और नीट में अच्छे स्कोर लेके डॉक्टर बनना है। सो द फर्स्ट थिंग द स्टार्ट अर्ली, जब अब इस वीडियो ख़त्म होने के बाद से आपको एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं करना है, जो भी है अपनी वीक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करके और रेगुलरली पढ़ाई करना है बस। तो स्टार्ट अर्ली द की टू सक्सेसफुल, जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आप सक्सेसफुल होगे, नीट की बात करें या लाइफ में कहीं भी। तो बींग ए प्रिपरेशन अर्ली, तो नीट में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है और काफ़ी बड़ा सिलेबस है, इसको कवर करने के लिए हमें सफिशियंट टाइम मिले, हम एक एक सब्जेक्ट को पूरा डेडिकेटेड के साथ पढ़ सके, इसके लिए हम जितना जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी हम सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम फॉर्मेट, एग्ज़ाम फॉर्मेट को भी समझना ज़रूरी होता है। किसी चीज़ में घुसने से पहले हमें ये पता होना चाहिए उसके टोटली सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, फॉर्मेट, ऑल द थिंग। आपको फेमिलियर होना चाहिए एग्ज़ाम फॉर्मेट के साथ। तो एग्ज़ाम किस टाइम में होने वाला है ये पता है आपको, उसके लिए आप प्रिपेयर आज से स्टार्ट करना स्टार्ट कर दो। उस टाइम में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, जो भी है उस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। उस टाइम पे आप बायोलॉजिकली एक्टिव होने चाहिए, तो आपको फॉर्मेट सब कुछ पता होना चाहिए ए टू जेड, ये बेसिक चीज़ें हैं आपको पता होंगी। डेवलप ए स्टडी प्लान, आप अपने अकॉर्डिंग टू एक स्टडी प्लान डेवलप कर सकते हैं, जिसमें आप टाइम, सब्जेक्ट, टॉपिक, ऑल द थिंग जो भी आपके नीट के लिए ज़रूरी हैं उनको आप कवर कर सकते हैं। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी MedPrepZee पे अवेलेबल है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा। देन वी हैव क्राफ्टिंग योर नीट यूजी स्टडी शेड्यूल ए पार्ट टू सक्सेस, हमेशा जो शेड्यूल फॉलो करेगा उसी को सक्सेस मिलने वाला है। सेट ए रियलिस्टिक गोल, आपका गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, ये नहीं कि हम एक आज बायोलॉजी के दो सब्जेक्ट, दो टॉपिक, दो दो सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं, ये सब खत्म होने लगेगा, ये सब हम खत्म करके बैठ जाए, नहीं, रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। हम अपनी कैपेबिलिटी को देखेंगे, उससे थोड़ा थोड़ा सा उसको पुश करेंगे और अपने गोल को कंप्लीट करेंगे। ये गोल डेली बेसिस भी हो सकता है और एक घंटे के लिए भी हो सकता है, हमने डिसाइड किया कि हम एक घंटे के लिए पढ़ेंगे और हम वो पढ़ने बैठ गए और एक घंटे तक हमने पढ़ा, ये भी एक गोल है, और इसको अचीव ऐसे करते करते आप अपने रियलिस्टिक गोल को अचीव कर पाओगे। क्रिएटिव है स्ट्रक्चर शेड्यूल, सेम थिंग है, जो सब्जेक्ट आपके ज़्यादा वीक हैं उनको आप ज़्यादा प्रायोरिटी दो, उन पर ज़्यादा फोकस करो और जो भी एनालिसिस करो एक बार बैठ के, और उसके बेसिस पे एक स्ट्रक्चर शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करो। देन इंक्लूड ए रेगुलर ब्रेक, ये भी नहीं कि 24 आवर आप पढ़े जा रहे हो, रेगुलर ब्रेक भी लेना ज़रूरी है। देन मास्टरिंग द नीट यूजी सिलेबस, इसको हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप्स। एनालाइज द सिलेबस, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू एनालाइज द सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो और सिलेबस को एनालाइज करो। थ्रू आउट द नीट सिलेबस आपको काफ़ी सारे वेटेज दिखेंगे कि इस सब्जेक्ट के ये टॉपिक काफ़ी वेटेज हैं, उन पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। इसके ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है MedPrepZee पे, अगर आप चाहो तो उसको रिफर कर सकते हो, नहीं तो मैं इसके ऊपर वीडियो डेडिकेटेड बना दूंगा। ब्रेक इट डाउन, अगर आपको पता चल गया बायोलॉजी में इतने सब्जेक्ट हैं, ये हैं, उनको ब्रेक डाउन करो, टॉपिक वाइज पढ़ो, हमेशा टॉपिक वाइज ही पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है। लर्न द फंडामेंटल, एनालाइज द सिलेबस, फंडामेंटल हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है आप आगे पढ़ने का उस टॉपिक का कोई रिलेटिव नहीं है। टॉपिक फाइंड आउट करो, उससे प्रीवियस देखो उस टॉपिक के लिए क्या फंडामेंटल चीज़ें हैं, उसको पढ़ना स्टार्ट करो, एनालाइज द सिलेबस हो। देन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अनलॉकिंग द सक्सेस इन नीट यूजिंग, ऑलवेज फोकस एंड फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे नीट के एक क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके। कनेक्ट द रिलेटिव टॉपिक्स, कई बार क्या होता है एक टॉपिक से पढ़ने से दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन हमारे होते हैं या नहीं होते हैं, तो दूसरे टॉपिक से एक टॉपिक कनेक्टेड होता है तो उनको लेके चलें। सॉल्व द प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर वैसे जितने क्वेश्चन लगा सकते हो उतने लगा था लो। आस्क क्वेश्चन, फॉर्म द स्टडी ग्रुप, यूटिलाइज द ऑनलाइन रिसोर्सेज, अगर आपको कोई डाउट है गूगल करो,
स्टडी ग्रुप बनाऊँ अपने अच्छे फ्रेंडों के साथ और ऑनलाइन रिसोर्सेज का अच्छे तरह से यूटिलाइज करूँ। हेल्दी बॉडी हेल्थ हेल्दी माइंड द इम्पॉर्टेंट ऑफ वेल बींग इन नीट यूजी प्रिपरेशन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस चीज़ में लैक कर जाते हैं। हाउ? पढ़ाई तो कर लेते हैं बस हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मेंटेन ए बैलेंस रूटीन। व्हाट डू यू मीन बाय द मेंटेन बैलेंस रूटीन? अच्छा रूटीन होना चाहिए, अच्छे से हमें जो भी हम खा रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, अच्छे स्लीप होनी चाहिए हमारी, अच्छी एक एक्सरसाइज कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। देन टाइम इज प्रीसियस। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, ना आपके लिए रुकेगा ना मेरे लिए रुक रहा है, तो बहुत प्रीसियस है। इसकी मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपने जो भी है प्रायोरिटाइज उसको सेट करो। प्रोस्कैटेशन और प्रोग्रेस तीनों चीज़ को देखो। सबसे पहले तो अपने जो भी प्रायोरिटी हैं आपके उनको सेट कर लो, ठीक है आज मेरे को ये चीज़ करना है, और जब वो चीज़ हो जाए उसको डालना नहीं है। लोग उसको दूसरे दिन के लिए छोड़ देते हैं, वो नहीं, जिस दिन है उस दिन कंप्लीट करो, और लास्ट में एक उसको प्रोग्रेस भी रिजल्ट भी लिखो उसकी कि वो चीज़ कंप्लीट हुई कि नहीं। मास्टरिंग द नीट यूजी सिलेबस मैंने पहले भी बता दिया है आपको ये चीज़ें। देन प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो ये तो सब जानते हैं कि प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने से नहीं होगा, उसमें एनालाइज भी करना है कि कौन से मिस्टेक आपसे हुए हैं उसको कैसे ओवरकम करें, कौन से क्वेश्चन आपसे गलती हुए हैं उसको कैसे ठीक करना है, और किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन था क्या गलत हो गया, ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करना है हर एक क्वेश्चन गलत होने या सही होने के बाद भी। टाइम मैनेजमेंट ये अभी से सीखना पड़ेगा, ये जो सोचोगे बाद में जाके होंगे ये कभी नहीं होने वाला। जितना जल्दी ये चीज़ों को सीख जाओगे उतना जल्द आपको बेनिफिट होगा। द पावर ऑफ कंप्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल। ये इसका तो कोई है ही नहीं कि आपको अपने नोट्स बनाने हैं, दूसरों के नोट्स पढ़ के आप कभी पास नहीं हो सकते। टेक्नोलॉजी के यूटिलाइजेशन से और क्वालिटी रिसोर्सेज, आप अपने कोचिंग के नोट्स लो या कुछ भी लो, एक आपका परमानेंट नोट्स होना चाहिए जो आप नीट के लास्ट प्रिपरेशन तक फॉलो करोगे, ठीक है। सेलेक्ट रिलायबल स्टडी मटेरियल इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक ऑनलाइन रिसोर्सेज मॉक टेस्ट। ये सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सही सिलेक्शन नहीं होगा नीट में सिलेक्शन भी नहीं होगा। की पॉइंट्स ऑलवेज नोट्स जो बनाने हैं पॉइंट वाइज बनाने हैं, ताकि एक पॉइंट से हम पूरा क्वेश्चन फ्रेम कर सकें। रिवाइज टू एक्सेल क्रिएट ए रिविजन शेड्यूल। जब भी शेड्यूल बनाओ उसमें रिविजन शेड्यूल भी डालना है। रिव्यू द की कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट बार बार आ रहे हैं उसे बार बार पढ़ने की जरूरत है, और लास्ट 10 to 15 years के क्वेश्चन आपको सॉल्व तो करने ही हैं। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल द नीट एस्पिरेंट। सो कल मैं अनअकैडमी पे आ रहा हूँ 8 बजे 8 PM। आपको सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। कल मिलते हैं 8 बजे, और इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दें। डिस्क्रिप्शन में